अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम PMS 5 एंड टुडेज आवर सिक्स टॉपिक ऑफ क्लास 4, दैट इज एनिमल्स टाइप्स एंड इट इज़ फ्रॉम आवर यूनिट 2. एनिमल्स, यू सी इन दिस वर्ल्ड देयर आर अ लॉट ऑफ लिविंग थिंग्स प्रेजेंट, आइदर दे आर प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इवन ह्यूमन बींग्स. But today the topic that we discuss is animals and their types. Animals are classified into two groups according to their skeletal systems. First of all, we have to know about what are animals. All those organisms which cannot prepare their own food and can move from one place to another are known as animals. Animals have different shapes and sizes, and they depend on plants and one another for their फूड. ये कह रहे हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे और उन स्पीशीज पे. जैसे देखें, जो बड़े जानवर हैं वो छोटे जानवर को, आप लोगों ने कभी वीडियो में देखा होगा कि जो लायंस हैं वो अपने से छोटे जो एनिमल्स हैं उनको एज अ फूड यूज़ करते हैं. इसी तरह काऊ है, गोट है, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स को एज अ फूड वो यूज़ करते हैं. तो एनिमल्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन द सर्च फॉर फूड, वाटर, शेल्टर के लिए ये सर्च करते हैं. तो एनिमल्स जो हैं इनके बहुत सारे शेप्स और साइज़ हैं जो कि डिपेंड करते हैं इनकी स्पीशीज़ पर. There are two main types of animals. Now we discuss types. There are two main groups of animals. Number one, vertebrates, and the second one is invertebrates. Vertebrates. First we discuss vertebrate. First of all, we discuss vertebrates and their types. Vertebrates are those animals with backbone. वो animals जिनका backbone होती है, skeletal system होता है, उनको क्या कहते हैं? Vertebrates कहते हैं. First जो group आता है इनमें, that is mammals. इनके जो features हैं, physical features हैं, हम पहले वो discuss करते हैं. Mammals have hair on the body. मैमल्स, देखिए आप लोगों ने गाय देखी है, गॉट देखा है, शीप है, इसी तरह लाइनस है और बिच होती है, इन सब के बॉडी पे क्या होता है? फर्ज होते हैं, हेयर्स होते हैं. और इनका जो सेकंड फीचर है, दैट इज़ दे गिव बर्थ टू यंग वंस. ये गिव बर्थ करते हैं बेबीज़ को. इवन ह्यूमन बींग्स आर, वी आर आल्सो अ मैमल्स. एंड जो थर्ड फीचर है इनका वो क्या है? दे फीड यंग वंस ऑन देयर ओन मिल्क. वो बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं. फिर हम आते हैं मैमल्स की बिहेवियरल फीचर्स पे. बिहेवियरल फीचर्स में है हाइबरनेशन. हाइबरनेशन कहते हैं गहरी नींद्स होते हैं, डीप स्लीप. कभी आप लोगों ने नोट किया है? तो ये एक डीप स्लीप होते हैं. फॉर एग्जांपल, स्क्विरल्स हाइबरनेट इन बर्रोस. आप लोगों ने देखा है कि ये दरख्तों में होते हैं, स्क्विरल्स होते हैं. जो सेकंड हमारे पास ग्रुप आता है, दैट इज़ बर्ड्स. बर्ड्स का जो फिज़िकल फीचर है, दैट इज़ फेदर्स ऑन द बॉडी. आप लोगों ने देखे, जितने भी हमारे पास हमने बर्ड्स देखे हैं, पैरट है, पिजन है, पीकॉक है, हेन है, और इसके अलावा मिलियंस ऑफ स्पीशीज हैं बर्ड्स के, तो इनका जो फर्स्ट फीचर है वो क्या है? इनकी बॉडी में फेदर्स होते हैं. सेकंड जो है, ये फ्लाई करते हैं. फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स. वो अपने विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं. नंबर थर्ड, दे हैव बीक्स. बीक्स कहते हैं चोंच को. इनकी बीक्स होती हैं जो कि उनको ईटिंग में हेल्प करती हैं. एंड द थर्ड फोर्थ पॉइंट इज़ ले एग्स इन अ शेल. ये क्या करते हैं? लेइंग एग्स होते हैं. फिर हम आते हैं इनके बिहेवियरल फीचर्स पे.
माइग्रेशन ट्विस्ट, अ ईयर इन सर्च ऑफ फूड. माइग्रेशन कहते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये सर्च करते हैं फूड के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते हैं. तो आप लोग देखते होंगे बर्ड्स को कि यह हवा में फ्लाई करते हुए हमें नज़र आते हैं, तो ये फूड की सर्च के लिए फ्लाई करते हैं. नंबर थर्ड जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स में आप लोगों ने कभी देखा है लिजर्ड देखा है, क्रोकोडाइल है, इसी तरह हमारे पास स्नेक. इनका स्किन कैसी होती है, ड्राई होती है, हार्ड होती है और स्केली होती है. स्केली मींस कैसे नोकदार होती है, रफ स्किन होती है इनकी. सेकंड जो इनका फीचर है, लिव ऑन बोथ एंड लैंड एंड इन वाटर. ये लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी ये रहते हैं. एंड द थर्ड फीचर इज फोर लेग्स एक्सेप्ट दोज ऑफ स्नेक्स. इनके फोर लेग्स होते हैं स्नेक्स के बगैर, स्नेक्स के लेग्स नहीं होते. बाकी देखें लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, जो टर्टल आप लोग देखते हैं, तो देखें इनके फोर लेग्स होते हैं. अब हम इनके डिस्कस करते हैं बिहेवियरल फीचर्स. तो इनका बिहेवियरल फीचर्स क्या है, स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम हाइडिंग अंडर रॉक्स और इन होल. ये अपना बहुत ज़्यादा टाइम रॉक्स में छुप के या होल्स में छुप के, मतलब ये किसी को इजीली नज़र नहीं आते, ये होल्स में या इस तरह रॉक्स के नीचे होते हैं, तो ये वहाँ पे अक्सर ये हमें पाए जाते हैं. नंबर फोर जो हमारे पास इनकी टाइप है दैट इज़ एम्फीबियंस. एम्फीबियंस मॉइस्ट लाइनिंग होती है इनकी, एक मुलायम सी स्किन होती है. यंग वंस लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स. जो इनके बच्चे होते हैं जो एग से निकलते हैं और इनके जो टेडपॉल्स होते हैं वो वाटर में ही मूव करते हैं और वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. एडल्ट्स लिव ऑन लैंड एंड ब्रीथ थ्रू द लंग्स एंड स्किन. फिर जब ये एडल्ट में चेंज हो जाते हैं तो ये कहाँ पे लीव करते हैं, लैंड पे भी लीव करते हैं, वाटर में भी, दोनों जगह पे ये लीव करते हैं. और ये ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स एंड स्किन. ये अपने स्किन और लंग्स के थ्रू, दोनों चीज़ों के थ्रू ब्रीथ करते हैं. लंग्स के थ्रू ये उस वक्त करते हैं जब ये पानी से बाहर होते हैं, और स्किन के थ्रू ये उस वक्त करते हैं जब ये पानी के अंदर होते हैं. ले एग्स इन वाटर. ये जब एग ले करते हैं तो वो वाटर में करते हैं, और इनके एग जो होते हैं उनका शेल नहीं होता, इनके एग्स जेली लाइक होते हैं, जेली लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है. अब हम बात करते हैं इनके बिहेवियरल फीचर्स पे. लाइव नियर वाटर, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर लीड्स देम टू डेथ. ये पानी के करीब रहते हैं और पानी की कमी इनकी मौत का सबब बन सकती है. लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज फिशेस. स्लिमी स्केल्स ऑन द बॉडी. फर्स्ट फीचर इनका क्या है, स्लिमी स्केल्स ऑन द बॉडी. इनकी बॉडी में स्लिमी स्केल्स होते हैं. लिव इन वाटर. ये वाटर में रहते हैं, ये लैंड में नहीं रह सकते. दे हैव फर्न्स एंड टेल्स टू स्विम विद गिल्स फॉर ब्रीथिंग. इनकी फर्न्स भी होती हैं और टेल भी होती है जो कि इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं, और ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. इनके बॉडी में जो गिल्स होते हैं ये इसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ इनके नहीं करते. जो इनका बिहेवियरल फीचर है दैट इज़ स्विम इन ग्रुप्स फॉर प्रोटेक्शन. ये ग्रुप्स में स्विम करते हैं अंडर अ वाटर फॉर प्रोटेक्शन. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड the types of vertebrates and their physical features and behavioral features. First of all, I am revise you some topic. All animals in the world can be classified into two large groups, vertebrates and invertebrates. Vertebrates have a backbone and invertebrates do not have backbone. Each large group is then further classified into many smaller groups. They are fish,
एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये जो मेन फाइव क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की आज हमने डिस्कस की। फिर आगे इनके फर्दर स्मॉलर ग्रुप्स भी हैं जो कि हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आप लोग ये जितनी भी डायग्राम्स मैंने आपको बताई हैं, ये डायग्राम्स आप अपनी रफ कॉपीज पे प्रैक्टिस करेंगे, ये वाली डायग्राम भी एंड फिशेस की भी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ माय क्लास इज़ ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।